Sponsored by Shri Nataraj Oils. Pure Edible Oils. माँ भारती के सपूत हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 71वें जन्मदिन के पावन दिवस पर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने 13 पंथ के 11वें सूर्य आचार्य महाश्रमण के दर्शन कर मंगल वचन प्राप्त किए। अजमेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता सेनानी संघ के प्रांत संयोजक आदरणीय प्रेम सुख सुराणा अजमेर, शोभाग नाहर प्रांत उपाध्यक्ष, संगीता त्रिपाठी राष्ट्रीय सचिव, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य भीलवाड़ा, हिम्मत कोठारी जिला मंत्री उदयपुर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत की 20 सितंबर 2021 को प्रस्तावित भीलवाड़ा यात्रा के संदर्भ में आचार्य महाश्रमण जी से विचार विमर्श कर संपूर्ण भारत में 1.5 लाख लोकतांत्रिक स्वतंत्रता सेनानी आपातकाल के समय जो जेल में रहे, आज वो इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें फ्रीडम फाइटर एक्ट के तहत स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष दर्जा दिलवाने और उनकी समस्याओं से अवगत कराकर आचार्य श्री से आशीर्वाद और मांगलिक प्राप्त किया। नवभारत समाचार राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, ओम जय भिक्षु, जय भिक्षु, जय भिक्षु, जय वीर प्रभु तीर्थंकर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा के प्रेरणाता, शांति दूत श्री मार समझ जी महाराज साहब के चरणों में सहविधि वंदन प्रभाधिराज परिषण पर्व पर साधक समायचना करते हैं। विषय देश में 1975-76 में कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर असंवैधानिक आपातकाल लगाकर लाखों देशभक्तों को जेल में बंद कर अमानवीय अत्याचारों से पीड़ित किया। आपातकाल देश के लोकतंत्र का काला इतिहास रहा है। दिनांक 20 सितंबर 2021 की आपकी भेंटवार्ता श्री मोहन जी भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर के क्रम में होनी है। सत्ता में सरकार के मुख्य 3 दायित्व होते हैं, इनकी व्याख्या आपके अनुसार निम्न है। प्रथम दायित्व यह है कि सज्जनों की देश में रक्षा करना, देश में राज्य में जो भले व्यक्ति हैं देश के प्रति समर्पित हैं उनकी पूर्ण सुरक्षा करना, उनको सम्मान सुविधा देना, जिसका जिम्मा सत्ता की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का है। दूसरा दायित्व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का यह है कि दुर्जनों पर अनुशासन करना, इसका पूर्ण रूपेण पालन करना। समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, दुर्जन व्यक्ति भी होते हैं, उन पर कार्यवाही करना, उन पर नियंत्रण करना, इसका जिम्मा भी सरकार एवं न्यायपालिका का होता है। इसके साथ ही तीसरा दायित्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रमुख दायित्व है कि देश की राज्य की संपूर्ण प्रजा को, देश में समर्पित राष्ट्र प्रेम वाले व्यक्तियों को, देश में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को संपूर्ण आश्रय देना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सरकार की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि राज्य में कोई भी अभाव के कारण भूखा न रहे, देश के समस्त नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाए। इसलिए मेरा मानना है कि ये तीनों महत्वपूर्ण दायित्व एक अच्छी सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं न्यायपालिका का दायित्व होता है। इसी कड़ी में लोकतंत्र सेनानी आपातकालीन बंदी जिन्होंने आपातकाल में अपना तन मन धन समर्पित करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने को करके देश को आपातकाल से मुक्त कराया, आज वे बेजार हैं। इनकी आयु 80-85 पार हो चुकी है, शारीरिक असमर्थता है, भयंकर आर्थिक स्थिति में है। इनको स्वतंत्रता सेनानियों के समकक्ष फ्रीडम फाइटर एक्ट में शामिल करते हुए सरकार को अपना दायित्व बहुत बताएं और इनको फ्रीडम फाइटर एक्ट में सम्मिलित करते हुए आपसे निवेदन करते हैं, जब आप भागवत जी से भेंट करें तो उनको मार्गदर्शन दें कि वो इनकी समस्याओं का निदान करें। इसके साथ ही आपातकालीन बंदी लोकतंत्र सेनानी पूरे देश में लोकतंत्र सेनानी की पीड़ा से पीड़ित होकर उनको फ्रीडम फाइटर एक्ट में शामिल नहीं होने के कारण महाराष्ट्र औरंगाबाद के दंपति श्री अब्दुल जी जोशी एवं उनकी धर्म सहायिका श्रीमती मंगला जी जोशी दिनांक 15 अक्टूबर